हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं डॉक्टर भूपेंद्र अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत मैं आपको पुनः स्वागत करता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हो? केवल वीडियो वीडियो देख रहे हो या कुछ अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे हो? देखिए, अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई करते रहना, जारी रखना. वीडियो जो है वो केवल आपको एक तरह से पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए, एक माहौल बनाए रखने के लिए आपको दिए जा रहे हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ा था. प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो गया था और उसी सीरीज में हमारा जो अगला आज का टॉपिक है वह है फैट, वसा. देखिए, वसा क्या है? वसा के बारे में हम सामान्य रूप से ये सोचते हैं कि वसा से मतलब होता है कि घी, तेल आदि. ठीक है, तो घी, तेल, मक्खन, चर्बी आदि जो है ये वसा के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, तो बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो देखो, वसा जो है यह भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक ही होते हैं. ठीक है, कार्बनिक यौगिक ही होते हैं जिसके अंतर्गत जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, जैसा कि प्रोटीन, और प्रोटीन के अंतर्गत आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहे पाई जाती हैं. तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वसा के अंतर्गत जो कि एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए होते हैं. लेकिन इनके अलावा जो है इसके अंतर्गत नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, ठीक है, अन्य यौगिक रूप में भी इसके अंतर्गत साथ में पाए जाते हैं. ठीक, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह है किसके, H2O या फिर जो अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके समान इसका अनुपात नहीं होता है. इन वसाओं के अंतर्गत जो है क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह अधिक होता है. ठीक है, और ऑक्सीजन के अनुपात अधिक होकर ये एक अलग प्रकार के, या यूं कहूंगी कार्बोहाइड्रेट क्या रखते हैं, विभिन्नता रखते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर क्या होती है बच्चों, अधिक होती है तुलनात्मक किसके, अपने कार्बन और हाइड्रोजन के. आगे बात करते हैं कि ये जो वसा है ये क्या होते हैं, जल के अंतर्गत क्या होते हैं, अविलेय होते हैं. जल में क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं तथा ये वेंजीन वेंजीन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वेंजीन क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि के अंतर्गत क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं. ठीक है, तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि के अंतर्गत क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं. अब बात करते हैं हम कि यह जो है हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है कि नहीं करता है. तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह हम प्राणियों के लिए डायरेक्ट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है. ठीक है, जबकि अगर हम यहां बात करें फैट के बारे में, तो फैट जो है यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के रूप में नहीं होता है, यह स्टोरेज एनर्जी के रूप में होता है. क्या बच्चों, किस रूप में होता है, स्टोरेज. आप लोगों को पता है कि जो वसा है यह है हमारे त्वचा व कुछ अंगों के जो सतह होती है उन पर यह है क्या, एडिपोज टिश्यू के, त्वचा के नीचे क्या, एडिपोज टिश्यू के रूप में पाया जाता है, जो कि जरूरत पड़ने पर इसका क्या किया जाता है, अपघटन होता है, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, काफी अधिक होती है. तो बात समझ में आई कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह डायरेक्ट एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जबकि वसा जो होती है वह डायरेक्ट एनर्जी का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्टोरेज एनर्जी के रूप में होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या है, अधिक ऊर्जा उत्पादन करती है, अधिक ऊर्जा प्रदान करती है. आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हुआ बच्चों आपके क्या कि एक सामान्य बात कि वसा क्या होती है. अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वसा होती है यह है किससे बनकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती है, साथ में कुछ अन्य अवसीय पदार्थ भी इसके साथ जुड़ते हैं, जिन्हें वही एक प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं. ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई भी अन्य यौगिक हो सकता है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे वसा के प्रकार में.
उससे पहले हम यह बात करते हैं कि देखिए बच्चों, वसा जो होती है यह है किससे मिलकर बनी होती है, ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती है। वसा जो है उसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, वसा के अंतर्गत ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल होते हैं, जिसे कि यहां सामान्य सूत्र के रूप में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है या कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए बच्चों, जैसे कि R1C, R1C, C डबल O, CH2, R2C, C डबल O, CH2, R3C डबल O, CH2। ये जो सूत्र है बच्चों, ये वसा का एक क्या है, सामान्य सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक वसा का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं क्या, जनरल स्ट्रक्चर। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वसा है वह है किससे, ग्लिसरॉल, किससे, ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों, ठीक है, से मिलकर बनी हुई होती है। इसका जो मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां हम बात करेंगे कि एक जो वसीय मॉलिक्यूल, वसा का जो मॉलिक्यूल होता है वह है किस प्रकार से यहां पर बनता है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एक वसीय वसा के एक मॉलिक्यूल के अंतर्गत, जिसे अपन ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उसके अंतर्गत एक ग्लिसरॉल होता है, जिसमें जैसे कि सी, जिसका सूत्र होता है सी प्लस, फिर इसके साथ में ये तो गया एक ग्लिसरॉल, फिर तीन वसीय अम्ल। तो तीन वसीय अम्ल जो है वो OH C डबल बॉन्ड O, R2 OH C डबल बॉन्ड O, R3। देखिए इस प्रकार से, तो ये तो हो गया क्या बच्चों, एक ग्लिसरॉल, ठीक, और ये तीन क्या हो गए, वसीय अम्ल हुए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक ग्लिसरॉल और तीन वसीय अम्ल मिलकर जो है एक वसा के अणु का अर्थात ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, देखिए जब यहां एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से क्या तीन वसीय अम्ल मिलते हैं या इनके साथ जब जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां पर बच्चों जो है प्रत्येक एक वसीय अम्ल के जुड़ने पर एक H2O का मॉलिक्यूल जो है वह बाहर निकलता है, और इस प्रकार से यहां पर तीन जो वसीय अम्ल इससे ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं, तो यहां पर तीन ही जल के जो अणु हैं वह निकलते हैं। अर्थात यह है, कौन सी क्रिया हो गई, संश्लेषणात्मक क्रिया हो गई बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं कि जो वसीय अम्ल है इन दोनों के बीच में, मैंने यहां पर देखो इसको अलग बॉक्स के रूप में बताया भी है कि एक ग्लिसरॉल का एच और एक वसीय अम्ल का क्या OH क्या बन गया, H2O। तो इस प्रकार से प्रत्येक वसीय अम्ल से एक OH और ग्लिसरॉल का H मिलकर क्या करते हैं, तीन H2O का निर्माण करते हैं, और यहां पर बनता है क्या, ट्राइग्लिसरॉल। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये ट्राइग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ट्राइग्लिसरॉल जो कि एक वसीय वसीय अणु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक कौन सी संश्लेषणात्मक क्रिया हुई, ठीक है, जिसके हमारे तीन जल के अणु यहां पर हमको प्राप्त होते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर बताई गई है कि एक ट्राइग्लिसरॉल के निर्माण के दौरान एक ग्लिसरॉल से तीन वसीय अम्ल मिलकर किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं। हाँ, एक बात और कि यहां पर जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जो वसीय अम्ल मिलता है या जुड़ता है, तो यहां पर जो बेटा बॉन्ड बनता है, ठीक है, यहां पर जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कौन से बॉन्ड का निर्माण हुआ, एस्टर बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो ये एक सामान्य संरचना है बच्चों, किसकी, वसा की। अब देखिए बात करते हैं यहां पर आगे वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। तो वसा के प्रकार कुछ ज्यादा विविधता लिए नहीं है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अंतर्गत पढ़ा था
उसी प्रकार से जो है यहां वसा के प्रकार बात करते हैं, वसा के भी तीन प्रकार बताए गए हैं बच्चों, सरल लिपिड, नंबर टू जटिल लिपिड और नंबर थ्री जो है वही व्युत्पन्न लिपिड। वसा कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वही सरल लिपिड, इट मींस सिंपल लिपिड। देखिए बच्चों, सिंपल लिपिड जो है यह है केवल और केवल वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई होती है। केवल और केवल किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। जिसे कि यहां दो प्रकार का बताया गया है, एक है आपके उदासीन वसा, जिसे कि कहा गया है नेचुरल फैट या लिपिड, ठीक है, नेचुरल कहा गया है। और दूसरा प्रकार जो है वह है आपके दूसरा प्रकार जो है वह है आपके मोम अर्थात बैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन यहां पर उदासीन वसा की। तो देखिए बच्चों, उदासीन वसा जो है यह प्राकृतिक वसा होती है बच्चों। क्या होती है, कौन सी होती है? प्राकृतिक वसा होती है, ठीक है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त क्या होते हैं, वसा होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक वसा कहते हैं। और ये जो वसा है कौन सी, उदासीन वसा जो है ये जल से क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, जल से हल्की होती है। और इनका जो आपेक्षिक गुरुत्व होता है वो होता है 0.086, ये अप्रोक्सी अर्थात लगभग माना गया है, बताया गया है। तो देखिए यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि उदासीन वसा जो है ये प्राकृतिक वसाएं होती हैं, जल से भी क्या होती है, हल्की होती हैं, और इनका जो आपेक्षिक गुरुत्व का मान जो है वह 0.86 माना गया है, ठीक है। दूसरा है मोम। देखिए इनकी जो अवस्था होती है बच्चों, नेचुरल जो फैट होती है इनकी अवस्था मूल रूप से तरल अवस्था होती है, मूल रूप से क्या होती है, तरल अवस्था होती है। लेकिन जो मोम है यह है ठोस अवस्था होता है, अर्थात यह है एक प्रकार की सरल ठोस अवस्था वाली क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। यह क्या होती है, ठोस अवस्था वाली वसा होती है। और यह जो है इसके अंतर्गत एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अणु पाया जाता है, मोनोहाइड्रिक भारी आणविक भार वाला, भारी आणविक भार वाला क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मॉलिक्यूल पाया जाता है, अणु पाया जाता है बच्चों, ठीक है। इसके कारण यह क्या है जो है तुलनात्मक अन्य फैटों के क्या होती है, अधिक ज्वलनशील भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसका हो गया क्या, बी बैक्स, या बैक्स अपने आप में जो है वह किसका एग्जांपल हो जाता है, मोम का। तो ये हुआ आपका कौन सा, सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड के दो प्रकार आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, समझ नहीं आने पर आप वीडियो को क्या रिवाइंड कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। इसके बाद है जटिल। तो जटिल लिपिड, जटिल लिपिड की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वही कॉम्प्लेक्स लिपिड। जटिल लिपिड क्या होते हैं बच्चों? जटिल लिपिड जो है इसके अंतर्गत ग्लिसरॉल के साथ साथ जो है कुछ अन्य क्या क्या है प्रोस्थेटिक समूह भी जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे वसीय अम्ल होते हैं। ग्लिसरॉल वसीय अम्ल के साथ साथ जो है कुछ अवसीय अणु भी इनके साथ में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जिनका निर्माण जो है एक तरह से यूं कह सकते हैं कि सरल लिपिड प्लस लिपिड रहित अणु, सरल लिपिड प्लस लिपिड रहित अणु जो है वह मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों, जटिल लिपिड का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, सरल लिपिड से अभिप्राय क्या है कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के अलावा कौन से लिपिड रहित अणु जुड़ रहे हैं, वो क्या बन रही है, जटिल लिपिड बन रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर कोई फॉस्फेट का
मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं या फास्फेट यौगिक के साथ में यौगिक के रूप में जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड। तो इसी के आधार पर इट मींस यहां यूं कह सकते हैं कि लिपिड रहित अणुओं की उपस्थिति के आधार पर जो है जटिल लिपिड को दो प्रकार का बताया गया है, एक है ग्लाइकोलिपिड और दूसरी जो है वो कौन सी है, फॉस्फोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड इट मींस यहां पर क्या जुड़ा हुआ होगा, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं इसलिए क्या हो गई, ग्लाइकोलिपिड हो गई। और अगर क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट जुड़ा हुआ है लिपिड के साथ में प्रोस्टेटिक समूह के रूप में, ठीक है, तो वो क्या हो गई बच्चों, फॉस्फोलिपिड हो गई। तो इस प्रकार से ये जटिल लिपिड यहां पर समझ में आ गया होगा कि जटिल लिपिड का जो निर्माण है वो कैसे होता है, सरल लिपिड प्लस अन्य कोई लिपिड रहित मॉलिक्यूल्स जो है इनके साथ जुड़कर एक नए प्रकार की प्रोटीन अर्थात जटिल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिनको कि इनके प्रोस्टेटिक समूह इट मींस लिपिड रहित मॉलिक्यूल्स के अनुसार यहां दो प्रकार का माना गया है, ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मींस कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है। तो यह हुआ आपका क्या बच्चों, दूसरा प्रकार कौन सा, जटिल लिपिड का। इसके बाद है तीसरा प्रकार जिसको अपन कहते हैं क्या, व्युत्पन्न लिपिड। तो जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था कि प्रोटीन के अंतर्गत जो है, तो उसी प्रकार से यहां पर व्युत्पन्न लिपिड का भी निर्माण जो है वह है सरल लिपिड व जटिल लिपिड के, सरल लिपिड व जटिल लिपिड के जल अपघटन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल अपघटन से निर्माण होता है, ठीक है। किससे हो रहा है, सरल लिपिड और जटिल लिपिड के जल अपघटन से किसका होता है, व्युत्पन्न लिपिड का निर्माण होता है। इट मींस इसको अपन यूं कह सकते हैं कि सरल लिपिड और जटिल लिपिड से किसका निर्माण होता है, व्युत्पन्न लिपिड का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये जो व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं ये इनका एग्जाम्पल है जैसे कि स्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो है वो व्युत्पन्न लिपिड के क्या है, एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है व्युत्पन्न लिपिड्स के, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल जो है, और ऐसे ही विटामिन डी, ऐसे ही पित्त अम्ल और लिंग हार्मोन्स आदि जो है वो व्युत्पन्न लिपिड के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर ये वसा का जो एक तरह से प्रकार है, सरल लिपिड, जटिल लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड तीनों कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसका क्या महत्व, तो वसा का महत्व क्या है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो यह है कि इसका महत्व के सर्वाधिक क्या, सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत होती है क्या, वसा सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत या स्रोत होता है, ठीक है। दूसरा इसका महत्व है कि जो वसा है यह जीव के ताप नियमन का काम करता है, ताप नियमन में सहायक, वसा जो है वह ताप नियमन में क्या होती है, सहायक होती है। इसी प्रकार से जो बड़ी मछलियां होती हैं जैसे वेल मछली है, वेल है या सार्क मछलियां हैं, इन वेल या सार्क मछलियों के अंतर्गत एक बेटा स्तर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं बल्वर, ठीक है, ब्लेवर, क्या बोलते हैं इसको, ब्लेवर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लेवर क्या है, ब्लेवर जो है इसकी जो त्वचा होती है उसके नीचे एक वसा का मोटा क्या होता है, स्तर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लेवर कहते हैं। और ये ब्लेवर जो होता है इसका, इसको क्या फायदा होता है कि यह है जो स्तर है ये इन मछलियों को पानी में तैरने में क्या होता है, सहायक होता है, क्यों, क्योंकि वसा का स्तर होता है जो कि उसको क्या करता है, हल्कापन प्रदान करता है, ठीक है। तो ब्लेवर होता है, ठीक है, इनके अंतर्गत जो बड़ी क्या होती है, मछलियां होती हैं। इसके अलावा इस वसा का क्या महत्व है, इस वसा का अगला जो महत्व है वह है कि जैसे कि हमारी कोशिका जो होती है, कोशिका की जो कोशिका कला होती है, ठीक है, तो कोशिका कला का निर्माण करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने जो वसा के साथ में जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है आदि जो ये लवण होते हैं, ठीक है, तो इनकी क्या करता है, एक तरह से ये पूर्ति भी करता है शरीर को। और एक इसका महत्व है क्या कि जब इन वसाओं को गर्म पानी के साथ में
क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सावनीकरण की क्रिया संपन्न होती है, इट मीन साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, तेल को या इन वसाओं को गर्म पानी के साथ गर्म किया जाता है तो सावनीकरण क्रिया होती है और उससे साबुन जैसे पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ मैंने आपको मुख्य मुख्य जो है वो वसा के महत्व बताए हैं और इस प्रकार से ये जो फैट का एक टॉपिक था वह यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आप अपने स्तर से इसको आप पढ़े और भी देखें पढ़ें। गुड बाय, थैंक यू।